एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसे हम और आप असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के नाम से कॉल करते हैं, ठीक है। और अभी दो दिनों पहले वो एग्जाम आपका कब कंडक्ट होगा, इसका भी डिक्लेरेशन माननीय आयोग के द्वारा किया जा चुका है। तो अब हमारे पास कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और इतना भी कम वक्त नहीं है कि हम अपनी तैयारी एक बेहतर तरीके से ना कर सके। और अगर हम एपीओ के एग्जाम के सिलेबस को देखते हैं और पर्टिकुलरली सिर्फ अगर हम लॉ पोर्शन को देखते हैं, तो उसके अंदर आपके चार सब्जेक्ट हैं, जिनमें से तीन आपके मेजर लॉ हैं और एक आपका लोकल लॉ है, जिसको कि हम लोग द पुलिस एक्ट 1861 और उसके साथ कुछ रेगुलेशंस के बारे में भी पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। अब उसी सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, बेसिकली उसका जिक्र आपके द पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन नंबर 23 के अंतर्गत किया गया है, जो यूजुअली या सामान्य रूप से बात करता है कि आमतौर पर एक पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास बैरेक्ट होगा तो वहां पर आपको एक वर्ड नजर आएगा और वो वर्ड है आपका शैल, यानी कि यहाँ पर जिन भी ड्यूटीज का जिक्र किया गया है वो सभी पुलिस ऑफिसर के लिए एक मैंडेट पार्ट है, वो उनके सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन का पैरामीटर बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो ड्यूटीज उनको करनी ही करनी है। अब अगर इसके अंदर हम पुलिस ऑफिसर की पहली ड्यूटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर एंड द वारंट। अब यहाँ पे आमतौर पे हर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उनकी सुपीरियर ऑफिसर के कैरेक्टर के अंदर शामिल है, अगर उनके द्वारा संबंधित पुलिस ऑफिसर्स को कोई ऑर्डर दिया जाता है या कोई वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है, तो ये जिम्मेदारी होती है उन पुलिस ऑफिसर की उन सभी ऑर्डर्स और वारंट को एग्जीक्यूट करने की। लेकिन वहां पर उन्हें एक चीज ध्यान से रखने की जरूरत है और वो जरूरत ये है कि जो भी वारंट या जो भी ऑर्डर उन तक आए हैं वो एक लॉफुली तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास किए गए हों। दैट मीन्स अगर संबंधित पुलिस अधिकारी को लगता है कि जो ऑर्डर है या जो वारंट है वो लॉफुल तरीके से नहीं है, तो आमतौर पे वहां पे वो अपने आप को विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने इस बात को भी बहुत ही करीबी से देखा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो जहां पे आप अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं वहां पे आमतौर पे जो भी इंटेलिजेंस या जो भी इनपुट आपको मिलता है जिसका संबंध कहीं ना कहीं पब्लिक पीस से रिलेटेड होता है, दैट मीन्स आपको एक जानकारी मिली, वो जानकारी क्या मिली कि उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसी गतिविधि होने वाली है जिसकी वजह से जो सामाजिक शांति है वो भंग हो सकती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी मिलती है कि उस इनपुट को आप इमीडिएट रिसीव करिए, उसके बाद उसको संबंधित पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर करिए और कोशिश करिए कि जो पब्लिक की जो पीस है वो किसी भी हद तक डिस्टर्ब ना होने पाए, ठीक है। इसके अलावा आमतौर पे आपकी एक और कोशिश होनी चाहिए और वो कोशिश होनी चाहिए ऑफेंस प्रिवेंट। इसका मतलब ये होता है कि आमतौर पे एक कहावत होती है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन इसका मतलब यहां पर ये है कि अगर आपको पता है या आपको अगर किसी चीज का अंदेशा है या जानकारी है कि फलाने जगह पे कोई अपराध घटित होने वाला है, तो आप इस चीज का इंतजार ना करें कि वो अपराध कमिट हो जाएगा उसके बाद वहां पर आप जाकर बाकी की फॉर्मेलिटीज करेंगे। तो यहां पर आपकी एक जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी क्या बनती है कि अपराध को कमिट करने से पहले या अपराध को कमिट होने से पहले ही आपके द्वारा उसको रोका जा सके। इसके अलावा हर वो व्यक्ति जो ऑफेंडर है, हर वो व्यक्ति जिसको कोर्ट की जरूरत है, तो आमतौर पे ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को कोर्ट तक लेकर आना ताकि समाज को और जो आपका विक्टिम है उसको न्याय दिया जा सके, ठीक है। तो आमतौर पे यहाँ पे जितनी भी चीजों का जिक्र किया गया है, आमतौर पे ये सारी की सारी चीजें एक पुलिस ऑफिसर के कर्तव्य हैं जो उनको हर हाल में पूरा करना ही करना है। इसके अलावा सबसे बड़ी और जो महत्वपूर्ण ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर की होती है वो ये होती है कि अगर उनको लगता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई ऐसी जगह है जहां पर आमतौर पे ड्रिंक वगैरह का अरेंजमेंट होता है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आमतौर पे गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग आराम फरमाने के लिए जाते हैं, वो कोई स्पा सेंटर हो सकता है, वो कोई रिजॉर्ट हो सकता है, तो वहां भी
ये समय समय पर जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई में सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज वे से चल रही हैं या डिसऑर्डरली तरीके से वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो कुल मिला के जहां एक तरफ पुलिस की जिम्मेदारी शहर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की होती है, वहीं दूसरी तरफ जो आपका पुलिस एक्ट का सेक्शन नंबर 23 है, ये भी पुलिस की कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बारे में बताता है और ये उनके लिए एक मैंडेट पार्ट है। तो इट्स ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861। इसके अलावा एक जानकारी आपके साथ और शेयर करनी है कि टारगेट फॉर IQ पे फिलहाल अभी यूपी पुलिस एक्ट और यूपी APO के लिए सेकंड बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसका अनाउंसमेंट पिछले भी क्लासेस के दौरान किया जा चुका था। और अगर आप उस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्स के जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी टारगेट फॉर IQ पे अवेलेबल है, और अगर आप उसके अंदर भी अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।